बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मिली धमकी के बाद उन्होंने कहा कि वे ऐसी धमकियों से नहीं डरते हैं, उन्हें मध्य प्रदेश सरकार पर पूरा भरोसा है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री व उनके परिवार को मारने की धमकी के बाद वे रायपुर से लौटे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे ऐसी धमकियों से नहीं डरते हैं, उन्हें मध्य प्रदेश सरकार पर पूरा भरोसा है और वे राजनीति में नहीं पड़ना चाहते हैं। हालांकि धमकी भरे कॉल के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं रायपुर से लौटते समय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का धर्म प्रेमियों ने जोरदार स्वागत किया और लोगों की लंबी कतार उनके स्वागत के लिए नजर आई। इस भारत में जब जब भी सनातन की बात आई है तो लोगों ने बोला है इससे डरना नहीं है और हमें अपने इष्ट बागेश्वर हनुमान जी पर भरोसा है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हम हनुमान चालीसा के उपासक, अपने इष्ट हनुमान जी के उपासक हैं। हमें अपने इष्ट पर हनुमान चालीसा पूर्ण दृढ़ता से भरोसा है और भारत के नागरिक होने के नाते हमें मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार पर भी भरोसा है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।